नमस्कार, जय माता दी। मित्रों, ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, कौन नहीं चाहता कि अपने जीवन में शांति के साथ अपने पार्टनर के साथ अपनी उम्र बिताए। घर में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, पार्टनर मेरा कहना सुने, मेरी बात माने, मुझसे दिन रात प्रेम करे, मेरा सम्मान करे और हम दोनों प्रेम के इस अटूट बंधन में हमेशा के लिए बंध कर रहे। मैं कुछ दिनों के लिए मायके चली जाऊं तो मेरा पति पीछे पीछे आए, मुझे मना कर लेकर चले, चलो तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। मैं प्रेमिका हूँ, यदि कुछ दिन उससे ना मिलूं तो वह तड़प उठे मेरे लिए। हर लड़की की, हर औरत की यही ख्वाहिश, वहीं लड़कों की यही ख्वाहिश कि मैं प्रेमी हूँ तो मेरी प्रेमिका तरसे मुझसे बात करने के लिए, मेरा कॉल में रिंग होने से पहले वो मेरा फ़ोन रिसीव कर ले। और वहीं पतियों की यही इच्छा कि मेरी पत्नी एक पैर पर खड़ी रहे मेरे लिए दिन रात, मेरे प्यार के लिए तरसे दिन रात, वो मुझसे प्रेम करे, मेरा सम्मान करे। यह सब इच्छाएं हम अपने मन में रख तो लेते हैं, परंतु संबंध हमारी मर्जी से नहीं चलता। हर मनुष्य के अपने एक बर्थ चार्ट होती है, उसके अनुसार कुंडली के हर एक घर में अलग अलग ग्रह बैठे हैं। कौन ग्रह किस वक्त घर बदल रहा है, किस ग्रह के साथ युक्ति बना रहा है, आपको नहीं पता। और इसी कारण से कभी शुक्र दूषित हो जाता है आपका, कभी गुरु दूषित हो जाता है, कभी राहु ने चाल चल दी और प्रेम खंडित हो जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब तक तो कोई बात नहीं है, समस्या तब होती है जब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है। प्रेमिका रूठ गई है आपसे, और जब तक वो रूठी, थोड़े सा समय क्या बीता, उस समय में किसी और ने एंट्री ले ली। अब प्रेमिका को मैं नहीं, कोई और भाता हूँ। प्रेमी रूठ गया है मुझसे, क्योंकि मुझसे भी खूबसूरत, मुझसे भी नई एक प्रेमिका आ गई है उसके जीवन में। किसी ने गलतफहमी फैला दी, किसी ने कोई अन्य बात फैला दी और आपका प्यार अब टूटने की कगार पर है। विवाह की बात भी आप करते हैं तो सामने वाला आपका पार्टनर विवाह के लिए तैयार नहीं होता। प्रेम तब तो ठीक था, शादी अभी नहीं। और आप चाहते हैं अपने पार्टनर को ही अपने लाइफ पार्टनर बनाना, अपना जीवन साथी बनाना, तब घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। महज आधे नींबू से आप एक प्रयोग करें, घर बैठे करें और घर बैठे अपने प्यार को अपना बनाएं। शादी विवाह में देरी हो रही है, प्रेमी प्रेमिका रूठ गए हैं एक दूसरे से, रिश्ता संबंध सुधर जाएगा। यदि पत्नी झगड़ा करके मायके चली गई है और मायके जाने के बाद उसकी मस्तिष्क बिल्कुल ही फिर गई है, अब वह आपके साथ समय नहीं बिताना चाहती, रहना नहीं चाहती, इस रिश्ते में अब वह आगे नहीं बढ़ना चाहती, क्या करे? पति मना रहा है टूटी हुई पत्नी को और वह मानने के लिए तैयार नहीं। चलिए, छोटा सा लव वशीकरण घर बैठे आप कीजिए, पत्नी भाग कर आएगी आपके पीछे पीछे। यदि पति रूठ गया है आपसे, ब्लॉक कर दिया है आपकी कॉल को, नहीं बात करना चाहता, अब आपसे नहीं जुड़ना चाहता है, ऐसी परिस्थिति में पत्नी रोए नहीं, इधर उधर बातें ना फैलाएं, अपने घर की इज्जत अपने हाथ में रखें और करें एक छोटा सा लव वशीकरण। महज आप आधे नींबू के प्रयोग से सुधार सकती हैं अपना शुक्र, सुधार सकती हैं अपने गुरु ग्रह को, बदल सकती हैं ग्रहों की दिशा, ग्रहों की चाल, और अपने प्यार को कर सकती हैं अपने वश में। संपूर्ण वीडियो को ध्यान से सुने, समझें, तब करें यह प्रयोग। कोई भी साधारण सा इंसान इस प्रयोग को कर सकता है और असाधारण परिणाम सामने आएंगे। आपने इधर किया और इधर असर हुआ, ऐसा चमत्कारिक है, दिव्य है यह प्रयोग। संपूर्ण जानकारी आपके लिए भी बेहतर है, आपके अपनों के लिए भी, इसलिए वीडियो को स्किप करके ना सुने। जिन सामग्री का प्रयोग मैं कहूँ वही लाएं, जिस दिन मैं कहूँ वही दिन करें, जो मंत्र मैं कहूँ उसी का जप करें, फिर देखिए कैसे आपका प्यार आपके प्यार में पागल रहता है दिन रात। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आपको यह प्रयोग केवल और केवल शुक्रवार के दिन करना है। आपको आधे नींबू लेने हैं, लेकिन बिल्कुल ना नींबू, ताज़ा हो, फ्रेश हो, उसे काटे तो उसका रस गिर रहा हो, इतना रसीला नींबू लें। सूखा हुआ कड़ा पुराना नींबू ना लें। शुक्रवार के दिन हाफ नींबू आप ले लें। शरीर पर आपको पीला वस्त्र पहनना है, ज़्यादा से ज़्यादा पीला पहने, संपूर्ण पीला पहन सके तो सर्वोत्तम, नहीं पहन सके तो ऊपर से कुछ पीला ओढ़ लें, परंतु पीला लें। हमें गुरु ग्रह और शुक्र दोनों पर काम करना है।
आप जो आसन लगाएंगे, जमीन पर ना बैठे, आसन पर बैठे और उसमें भी काले रंग का प्रयोग ना हो, पीला आसन हो, लाल आसन हो, चलेगा। बैठने की जो दिशा होगी आपकी वो उत्तर की ओर होगी, आपका चेहरा उत्तर की ओर होगा। एक पात्र में थोड़ा सा जल ले लें, जिसे एक घूट जल कहते हैं ना, बस एक घूट जल ले लें। हाफ नींबू काट कर ले लें। नींबू को एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर रखें। शुक्र ग्रह की बात की जाए और सफ़ेद रंग ना हो तो हो ही नहीं सकता। आप एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर नींबू रखें। उस कागज़ पर आप ऊपर में प्रथम अपने पार्टनर का नाम लिख दें, नीचे अपना नाम लिख दें और नींबू का कुछ बूंद रस उस कागज़ पर गिरा दें और संपूर्ण कागज़ पर लगा दें और इसी कागज़ पर आप इस नींबू को रखें। शांत मन करके बैठ जाए एक स्थान पर, आंखें बंद करें और 6 बार अपने पार्टनर का नाम लें, बिल्कुल बुदबुदाते हुए, फुसफुसाते हुए, कहते हैं ना हल्की ऐसी आवाज़ में, 6 बार अपने पार्टनर का नाम लें। आंखें बंद करें, अपने पार्टनर को देखने का प्रयास करें, गहरी अनुभूति करें उसकी। और जब आप ऐसा कर रहे हो, गहरी अनुभूति ले रहे हो, तो अपने अंगूठे के बगल वाली जो दो नंबर वाली उंगली होती है, इंडेक्स फिंगर जिसे कहते हैं दाहिने हाथ के, इसे नींबू के ऊपर रखें, कटे हुए नींबू के भाग पर रखें। देखने का प्रयास करें पार्टनर को, पार्टनर दिखाई देगा आपको। आंखें बंद करके आप जो देखना चाहे वह देख सकते हैं। इतनी गहरी याद कीजिए उसे कि आपकी आत्मा की आवाज़ उसकी आत्मा तक पहुंच जाए, ऐसे निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ उसे याद कीजिए। हूम मंत्र है, एकाक्षरी मंत्र है, हूम। हमें हर सौ ऊपर चंद्रबिंदु। हूम मंत्र का 81 बार जप करना है आपको, 81 times। लगातार बोलिए हूम 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 इस अंदाज में, और 81 बार इस मंत्र को जप करने के बाद आंखें खोले और जो एक घूट जल आपने रखा था, इस नींबू के 2 बूंद रस को उस जल में डालकर आप पी जाएं, संपूर्ण जल पी जाएं। अब इस नींबू को आप लेकर जाएं और एक चुटकी लाल सिंदूर लेकर जाएं किसी भी ऐसे स्थान पर जहां गोबर हो, अर्थात तो गाय का गोबर हो। जहां भी आपको गोबर दिखे, यह नींबू उल्टा करके गोबर के ऊपर रख दें और नींबू की जो पीठ पीली वाली दिखाई दे उस पर एक चुटकी सिंदूर डाल दें। वापस अपने घर चले आए, हाथ पैर धो लें, कपड़े बदलना है बदलिए, नहीं बदलना है कोई बात नहीं। यह करते वक्त सफाई का बहुत ध्यान रखेंगे, स्वच्छ कपड़े शरीर पर पहनेंगे, आसपास गंदगी जूठा ना फैला हो जहां आप बैठे हो, और बड़ी शुद्धता के साथ, बड़ी विश्वास के साथ इस वशीकरण को आप करेंगे। मित्रों क्या कहूँ कि कैसे 24 घंटे के अंदर असर करता है। भाग कर आएगा आपका पार्टनर आपके पास। जो प्यार नहीं करता है ना, वो दिन रात प्यार करेगा। जो बात नहीं करता है, वो दिन रात बात करने को तड़पेगा। अवश्य करें, 100% सफलता मिलेगी आपको। धन्यवाद।